लंच ब्रेक में हमारी एक खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पीएफआई के खिलाफ चल रही मुहिम की पूरे देश में ऑपरेशन प्रहार पार्ट टू इसे नाम दिया गया है। दिल्ली समेत 8 राज्यों में पीएफआई के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली के अलग अलग करीब 8 हिस्सों में दिल्ली पुलिस और उसकी स्पेशल सेल ने पीएफआई के ठिकानों पर निशाना साधा है। दबिश डालकर 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। शाहीन बाग में पीएफआई की रेड के मद्देनजर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार पार्ट टू। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर दबिश। राजधानी में पीएफआई का कसा गया शिकंजा। 170 से ज्यादा लोगों को या तो डिटेन किया गया है या फिर उनमें से कई लोगों को अलग अलग राज्यों में, जो कि 8 राज्य हैं, वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इन लोगों से पूछताछ होगी, उसके बाद जो है आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। सूरत से पहले ही शुरू हो गई छापामारी। ये जो गिरफ्तारी है 30 लोगों की, ये पूरी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में रेड हुई है, उसके अलावा रोहिणी इलाके में, आउटर दिल्ली इलाके में। शाहीन बाग, रोहिणी, जामिया और निजामुद्दीन में छापा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल और स्पेशल ब्रांच का ये लाव लश्कर इस बात की गवाही तो दे ही देता है कि मामला किसी भी सूरत में हल्का फुल्का तो नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच और लोकल पुलिस ने मिलकर राजधानी के कई इलाकों में सुबह का सूरज निकलने से पहले ही ताबड़तोड़ छापामारी शुरू कर दी। जामिया, उत्तर पूर्वी दिल्ली, केंद्र दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और बाहरी दिल्ली में भी छापा मारा गया है। पुलिस ने इस छापेमारी में 30 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, जबकि दिल्ली के जामिया इलाके से करीब एक दर्जन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। असल में पीएफआई से जुड़े मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तफ्तीश के बाद धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय इलाके के आसपास धारा 144 लगा दी गई। जामिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी किया है और अपने छात्रों को हिदायत दी है कि जामिया नगर में 144 धारा लागू है, इसलिए किसी भी तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है। अगर कोई भीड़ इकट्ठा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तस्वीर आपको साथ दिखाते चले। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की ये तस्वीर है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भारी तादाद में यहाँ पर जमा किए गए हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की फोर्स, हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं, यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर से 17 नवंबर तक जामिया नगर इलाके में 144 धारा लागू कर दी है। धरने प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश का अंदेशा। साउथ ईस्ट दिल्ली में खास तौर पर एडवाइजरी जारी। 60 दिनों तक जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास मशाल और कैंडल मार्च जैसे प्रदर्शनों पर रोक। धारा 144 की गई लागू, आदेश न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी। जामिया विश्वविद्यालय ने भी छात्रों के लिए चेतावनी जारी की। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसकी जो टॉप लीडरशिप है, उसको इस बात का अंदेशा था कि पीएफआई पर एक्शन हो सकता है, खासतौर पर जिस तरह से टेरर कनेक्शन में उनके कई मेंबर्स फंसते जा रहे हैं। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कई नए नए विंग बना रखे हैं, जिसमें एक स्टूडेंट विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो खास तौर पर यूनिवर्सिटीज इलाकों में काफी एक्टिव रहता है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर एक बार फिर एक्शन हुआ है और दिल्ली के 8 अलग अलग हिस्सों में छापे मारे गए। इससे पहले बीते शुक्रवार को ही दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में छापा मारा गया था और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव मोहम्मद इलियास और कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीद को पकड़ा गया था। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पूछताछ के लिए 7 दिन की हिरासत भी दे दी थी। पीएफआई नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, टेरर फंडिंग के बारे में हो रही पूछताछ,
चंदे के पैसों का बेजा इस्तेमाल का आरोप, सभी के फोन की होगी फॉरेंसिक जांच। इसके अलावा पीएफआई के पकड़े गए लोगों के पास से बरामद हुए दस्तावेजों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों के यहां से एनआईए ने छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि 150 से ज्यादा मोबाइल फोन को जब्त किया है, उनके डेटा को खंगाला जा रहा है। यही नहीं, 50 से ज्यादा लैपटॉप को भी एनआईए ने जब्त किया है। 106 जगहों पर जो छापेमारी की गई है उसमें एनआईए ये कह रही है कि यहां से जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर आगे एनआईए इन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ करेगी। असल में टेरर फंडिंग को लेकर ईडी एनआईए की जांच अब रफ्तार पकड़ चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के निर्देश और पहले के इनपुट के आधार पर एनआईए और राज्य पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ अरविंद ओझा, आज तक।